वेलकम एंड बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि मेरे सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम कैसे गए, जो कि अभी दिसंबर 2023 में ख़त्म हुए हैं। मैंने न्यू सिलेबस से दिए थे सारे पेपर, तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। सो पहला सब्जेक्ट आता है JIJL। तो JIJL में ये हुआ था कि ये पहला पेपर था और ICSI ने बोला था कि वो MCQ देंगे 20% और 80% थ्योरी देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने नहीं दिया। तो इससे थोड़ा शॉकिंग था बच्चों के लिए, तो कि वो क्योंकि थोड़ी देर तक वो लोग तो बैठे रहे, 40 मिनट तक क्वेश्चन पेपर ही पढ़े, उसमें से मैं भी एक थी जिसमें से 20 मिनट पढ़ा था, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं किया था, मैंने लिखना चालू कर दिया था क्योंकि लिखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो ये पेपर था तो पूरा केस स्टडी बेस्ड था, जो कि ठीक ठाक था, अच्छा गया मेरा, इतना अच्छा भी नहीं इतना बुरा भी नहीं, तो हाँ अच्छा था। और मुझे ऐसा लगता है JIJL में ना वो जो चैप्टर होते हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, इन चैप्टर से वो लोग देते ही हैं, इन चैप्टर को अच्छे से करने, क्योंकि हम बड़े चैप्टर को करते रहते हैं और इन छोटे चैप्टर को छोड़ जाते हैं, और इन्हीं से आ जाता है 4-5, 5-5, 4-4 मार्क्स का। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, करिए आप भी। उसके बाद आता है हमारा दूसरा सब्जेक्ट भाई कंपनी लॉ तो हमेशा ही थोड़ा हार्ड आता है, काफ़ी हार्ड आता है, वो पेपर होता ही ऐसा है जिससे बच्चे डरते हैं, मैं तो डरती हूँ, बाकी आप लोगों का पता नहीं आप लोग डरते हो कि नहीं। और इस पेपर में मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, सच में नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ JIJL पढ़ा था और SVC पढ़ा था, कंपनी लॉ नहीं पढ़ा और कॉर्पोरेट अकाउंट भी नहीं पढ़ा अच्छे से। तो ये जो मेरा पेपर था, मैंने कितने मार्क्स का अटेम किया, 95 मार्क्स का अटेम किया था, उसमें से अब पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, वो तो रिज़ल्ट ही बताएगा कैसा गया पेपर कैसा नहीं। तो यही था कंपनी लॉ में, और इसमें भी MCQ नहीं थे सेम। फिर आगे दो के पेपर में भी उम्मीद छोड़ दी थी ICSI से कि वो MCQ देगी, नहीं दिए। तो अब थर्ड पेपर की बात करते हैं, तो थर्ड पेपर का था हमारा SBC। तो थर्ड पेपर था अच्छा, था काफ़ी अच्छा था, मतलब कि एक केस स्टडी में उन्होंने 4 चैप्टर डाल दिए थे लेबल लॉ के, लेबल लॉ तो बिल्कुल डायरेक्ट आया था, कुछ नहीं था उसमें, और काफ़ी इजी पेपर था, और सारा टाइम किया था मैंने, हाँ बन गया था, बस मुझे ये बोलो कि सबसे अच्छा पेपर गया था मेरा ये वाला। और मैंने ये भी सुना था कि ओल्ड सिलेबस का SBC पेपर बहुत हार्ड आया था कंपनी लॉ के कंपैरिजन, मतलब कि दोनों को बोल दो कि एक ही था। और जो हमारा लेबल लॉ है SBC में, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है वो, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा हो, मतलब कि सिर्फ उसकी हेडिंग से आप समझ जाओगे इसमें लिखना क्या, सिर्फ अच्छे से सेक्शन याद करो क्या है क्या नहीं है, प्रोविज़न उसका क्या है, सब कुछ याद करो अच्छे से, लिखो नंबर मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि वो नंबर नहीं देंगे आपको, नंबर मिलेंगे। आता है हमारा कॉर्पोरेट अकाउंट और FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये पेपर भी इतना ईजी नहीं था मेरे लिए, तो हार्ड ही था क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था अच्छे से, और अकाउंट्स सब कुछ आया था, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, 8 मार्क्स का आया था, 4 मार्क्स के आए थे, अच्छा पेपर था ये भी, तो जिससे बन गया उसके लिए तो काफ़ी अच्छा ही होगा, मेरे से तो नहीं बना, तो फिर भी ठीक ठाक था। और फिर यही थे चारों सब्जेक्ट न्यू सिलेबस के हो गया, न्यू सिलेबस यही था, न्यू सिलेबस में कुछ अलग नहीं है, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस सब एक बराबर है, कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सब वही है, वही दिया उन लोगों ने, सब प्रीवियस ये पढ़ो चाहे वो पढ़ो सब बराबर है, हम तो बोलते हैं कुछ अलग नहीं है हमारे हिसाब से, ठीक है। यही था पेपर CFM में, हमारे प्रैक्टिस की हमको बहुत ज़रूरत है, उसमें हमको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, विदाउट प्रैक्टिस हमसे कुछ नहीं होगा, बस दिन भर कैलकुलेटर ऐसे चलाते रहो, यही प्रैक्टिस है हमारी, हाथ चलेंगे समझ में आएंगी चीज़ें तभी लिख पाओगे। सो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, सी यू सून।